अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद इमरान फ्रॉम सिटी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल वो होती है जिसकी हायर पावर 3 होती है। क्यूबिक पॉलीनोमियल वो है जिसकी हायर पावर 3 है, जिसकी डिग्री 3 है। तो इसको हमने बाय फैक्टर थ्योरम सॉल्व करना है। इसके फैक्टर, इसको फैक्टराइज करना है बाय फैक्टर थ्योरम। उसके लिए देखें, सबसे पहले हम लेट कर देंगे कि ये पी ऑफ एक्स है। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ये पी ऑफ एक्स है। फिर इसमें एक्सपेक्टेड जीरो होंगे, एक्सपेक्टेड जीरो। एक्सपेक्टेड जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, इसके एक्सपेक्टेड जीरो ये होंगे। ये जो आखिरी वाली वैल्यू है जो टू है, इसके ये किस किस टेबल में टू आ सकता है? तो या तो ये वन में आ सकता है या टू में आ सकता है। ये टू या वन के टेबल पे आ सकता है। इसका इसके फैक्टर जो लिखने हैं, हमने प्राइम फैक्टर लिखने हैं टू के, या वन है या टू है। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। इसलिए दोनों के साथ पॉजिटिव नेगेटिव लगा लें। ये तो आखिरी कांस्टेंट वैल्यू टू है, ये किस किस टेबल में आता है, यही इसके एक्सपेक्टेड ज़ीरो हैं। तो उसके बाद इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ये, असल में वन, ये टोटल फोर जीरो हैं, वन और माइनस वन, टू और प्लस टू। इसको बारी बारी हम चेक करते जाएंगे, क्योंकि फैक्टर थ्योरम है। अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर ज़ीरो आता जाएगा। जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा वो फैक्टर होगा, जिसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगा। क्योंकि इसकी हायर पावर 3 है, हमें तीन फैक्टर चाहिए। तो देखें, जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू वन, ये प्लस वन। इसमें पुट करें जैसे रिमाइंडर थ्योरम तीसरा चैप्टर करके आए हैं, ये क्या वन p ऑफ वन, और फिर ये बनेगा वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। तो पी ऑफ वन बन जाएगा वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू। तो ये टू टू से कट गया, वन वन से कट गया, ये रिमाइंडर बन चुका है ज़ीरो। क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है, क्योंकि इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है, लिहाजा ये जो एक्स, यहाँ से देखें ये x इज इक्वल टू वन है, हम लिखेंगे सो ये वन जब उधर जाएगा उस तरफ तो x माइनस वन बन जाएगा। ये वन उधर जाएगा तो x माइनस वन बन जाएगा। सो x माइनस वन इज फैक्टर फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी तरह आप किसको पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन, पहले प्लस वन अब माइनस वन, तो क्या बन जाएगा p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब माइनस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। तो ये बन जाएगा, ये रिमाइंडर बन जाएगा, ये माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू, ये माइनस वन, ये प्लस टू। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस वन है, ये प्लस वन हो जाएगा। तो फिर देखें ये माइनस माइनस से कट गया, ये माइनस टू प्लस टू से कट गया, रिमाइंडर फिर जीरो आ गया है। तो फिर हम यही कहेंगे सो ये अब ये माइनस वन जब उस तरफ जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। सो एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स।
दोगे, फिर अब प्लस टू पे चेक करेंगे एज एक्स इज इक्वल टू टू, पुट एक्स इज इक्वल टू टू, तो पी ऑफ टू इज इक्वल टू टू का क्यूब माइनस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस टू, ये बन जाएगा एट, ये बन जाएगा माइनस एट, ये माइनस टू प्लस टू, तो ये रिमाइंडर बन चुका है। देखें रिमाइंडर फिर से जीरो आ गया है, तो फिर हम लिखेंगे सो ये टू जब उधर जाएगा तो x माइनस टू बन जाएगा, सो x माइनस टू इज फैक्टर, क्योंकि मुझे तीन फैक्टर चाहिए थे वो मिल गए हैं, पहला दूसरा और तीसरा। अब मुझे मज़ीद इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम बारी बारी चेक करते जाएंगे, जहाँ पे तीन फैक्टर कंप्लीट हो जाएंगे बस वही हमारा आंसर होगा। अब इसका सिर्फ हमने आंसर लिखना है, हम लिखेंगे हैंस फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स, ये जो पी ऑफ एक्स है इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होगी, ये तीनों फैक्टर लिख दे, पहला आ जाएगा एक्स माइनस वन, दूसरा आ जाएगा एक्स प्लस वन, और तीसरा ये आया है एक्स माइनस टू। अभी देखें यहाँ पे हमने एक्स माइनस टू चेक किया है, एक्स प्लस टू चेक किया है, हम x माइनस टू भी चेक कर सकते थे, लेकिन जहाँ पे हमारे तीन फैक्टर पूरे हो जाएं वहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके हमने तीन चार क्वेश्चन ही करने हैं, इसमें से ज़्यादा पेपर नहीं आता, ज़्यादा है हम एक्सरसाइज 3.5.3 है, तो कल मैं मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, आप कल एक दो क्वेश्चन मज़ीद करवाऊँगा और आपका सिलेबस बिल्कुल कम्प्लीट हो रहा है, और आप को चाहिए कि आप पीछे से प्रैक्टिस शुरू कर दें।